दोस्तों औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिससे ना ही कोई जाति, ना ही कोई धर्म, ना ही कोई देश का इंसान प्यार कर सकता है, क्योंकि था ही इतना ज्यादा क्रूर और गलत। जब भी हम औरंगजेब का नाम सुनते हैं तो मन में क्या चीज सबसे पहले आती है कि फोर्सफुली किसी दूसरे इंसान को अपने धर्म के लिए कन्वर्ट करवाना, फोर्सफुली बहुत सारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना, तोड़ना, नष्ट करना। दोस्तों इसने अपने शासनकाल में ना बहुत सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, वहां पर मस्जिदें बनवाई। लेकिन इसी दौरान इसका सामना बजरंगबली के एक ऐसे मंदिर से हुआ, जब ये उस मंदिर को अपने हाथों से खुद, जी हां अपने हाथों से खुद तोड़ने गया, तो बजरंगबली ने खुद इसका सामना किया और इसे ऐसे सबक सिखाया जिसे वो शायद जिंदगी भर तक और ये पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन क्या थी वो घटना, कैसे हुआ था उसका सामना स्वयं बजरंगबली से, कब हुआ था, ये सब कुछ ब्लडी सत्य के आज इस एपिसोड में आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा। और मैं सच बता रहा हूं, इस वीडियो के अंत होते होते तक आपके सर से लेकर पैर तक पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों दरअसल आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को जो कि कम उम्र के लोग हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको मैं औरंगजेब की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं, फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो सभी लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। औरंगजेब मुगल शासनकाल का छठवां राजा था और ये अपने माता पिता यानी कि शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। इसका जन्म 3 नवंबर सन 1618 को और मृत्यु 3 मार्च सन 1707 को हो गई थी। दरअसल केवल 18 साल की उम्र में ही इसके पिताजी यानी कि शाहजहां ने इसे डेक्कन एरिया का गवर्नर घोषित कर दिया था और बस उसके बाद से इसने निजाम शाही डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वहां पे फैला दिया अपना मुगल साम्राज्य। दरअसल अब बात करते हैं सन 1659 की। इसका एक भाई था दारा सिकोह नाम का। दारा सिकोह के खिलाफ ना इसके मन में बहुत ज्यादा खटास आ गई, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हुआ और फिर औरंगजेब ने अपने ही भाई को मृत्यु दंड देने के बाद खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ये तो हो गया औरंगजेब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आप लोग अब जान गए होंगे औरंगजेब के बारे में। अब हम आगे की कहानी सुनने के लिए थोड़े पीछे चलते हैं, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल से और काफी समय पहले। हम पहले बात करेंगे 12वीं शताब्दी की। डिटेल में सुनना, ध्यान से सुनना, तभी समझेगी पूरी बात। 12वीं शताब्दी में ककतिया डायनेस्टी जो कि डेक्कन एरिया में राज करती थी, उनके कमांडर इन चीफ थे, मतलब समझ रहे एक तरीके से सेनापति, वो एक दिन शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो काफी ज्यादा थक गए तो जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जब उनकी नींद लगी ही थी तो अचानक से उन्हें राम 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 का जाप सुनाई दिया। उनकी नींद खुली, वो हैरान हो गए कि इतने घने जंगल में कोई इंसान कैसे आ गया। वो उठे, उस आवाज का पीछा करने लगे। आवाज का पीछा करते करते जब वो आगे बढ़े तो क्या पाए, जहां से आवाज आ रही है वहां पर तो बजरंग बली की एक मूर्ति स्थापित है। खाली वहां पर मंदिर नहीं था, केवल एक मूर्ति रखी हुई है जो कि मेडिटेशन मोड में बैठी हुई है। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए, उनके चरण स्पर्श किए और वहां से आगे बढ़ गए। अब उसी रात को इनको सपने में बजरंगबली दिखाई दिए और बोले कि यहां पर जहां पर मैंने तुम्हें दर्शन दिया हूं मूर्ति के रूप में, वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाओ। उन्होंने वही किया, वहां पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कराया गया। समय समय पर बहुत सारे, जब समय बीतता चला गया, लोगों की मृत्यु होती चली गई, अलग अलग शासक आते रहे, वहां पर बजरंगबली के उस मंदिर की देखभाल होती रही। जी हाँ, अब क्या हुआ कि अब आया जमाना मुगल एम्परर का, औरंगजेब का। अब बात करेंगे सन 1687 की। आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे एक मंदिर स्थापित हुआ बजरंगबली का, यहाँ पे एक जंगल में डेक्कन एरिया के। अब 1687 में आ जाते, फिर से जंप मार के थोड़ी आगे, तो जो औरंगजेब था ना वो डेक्कन एरिया में जा रहा था कुतुबशाही डायनेस्टी का अंत करने के लिए। जी हाँ, डेक्कन एरिया में एक बहुत ही फेमस किला है जिसका नाम था गोलकंडा फोर्ट, यहां पर यह आक्रमण करने जा रहा था। यहाँ पे कुतुबशाही डायनेस्टी का राज था, यहां पर यह आक्रमण करने के लिए अपनी 100 तोप लेके गया था और पूरी 100 तोप से उस किले को घेर दिया था। गारंटी थी कि गोलकंडा फॉरेस्ट औरंगजेब के हाथों आ ही जाएगा, वहां का जो राजा है वो औरंगजेब से हार ही जाएगा। औरंगजेब उस जमाने तक बहुत ज्यादा क्रूर हो चुका था। इसने अपनी सेना को एक आदेश दिया था कि हम गोलकंडा फोर्ट तक तो जा रहे हैं, उसके राजा को तो हम हराएंगे ही हराएंगे, वो किला हम हथिया ही लेंगे, लेकिन रास्ते में जो कोई भी हिंदू मंदिर दिखे उसे छोड़ना मत, नष्ट कर देना, तोड़ देना, मिट्टी में मिला देना। उसकी सेना यही कर रही थी, पीछे से आने वाली सेना रास्ते में जितने भी हिंदू मंदिर मिल रहे थे सबको तोड़े जा रही थी, तोड़े जा रही थी। उसी समय थोड़ी आगे बढ़ने के बाद
उसी सेना का सामना हुआ बजरंगबली के उसी मंदिर से जो 12वीं शताब्दी में मैंने बताया था ना ककतिया डायनेस्टी कमांडर इन चीफ ने बनवाया था। इस मंदिर को वो सेना तोड़ ही नहीं पाई, बहुत कोशिश की, जो औजार से वो दूसरे मंदिर तोड़ रही थी उसी औजारों से ये मंदिर को नहीं तोड़ पा रही थी। सेना बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे पॉसिबल है, एक की जगह 100 लोग लग गए, 1000 लोग लग गए, वो मंदिर टूटे नहीं रहा था। ये बात पहुंची औरंगजेब तक, जो कि कहां था अभी, गोलकंडा फोर्ट के सामने आक्रमण करने के लिए तैयार था। औरंगजेब को जब ये बात पता चली कि वो एक मंदिर को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो औरंगजेब काफी ज्यादा क्रोध में आ गया। उसने बोला कि एक लोहे का जो रॉड होता है, बड़ा सा रॉड, मुझे दो। रॉड पकड़ा और बढ़ गया उसी मंदिर की तरफ, बोला मैं खुद अपने हाथों से तोड़ूंगा, देखता हूं कैसे हजारों लोग नहीं तोड़ पाए। रातों रात वहीं पर पहुंचा, सेना इंतजार कर रही थी। उसने अपना वो रॉड उठाया और जैसे ही मंदिर को मारने वाला था, जोरों की बिजली चमकी, मानो की एक आकाशवाणी, सच बता रहा हूं, मानो की एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में सुनाई दिया, मंदिर तोड़ना है राजन तो कर मन घाट। जैसे ये आवाज, ये भारी आवाज औरंगजेब ने सुना ना, उसके हाथों से वो लोहे की सलिया गिर गई, ऊपर से नीचे तक कांपने लगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, पसीना पसीना हो गया, मानो कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा, टस से मस नहीं हो पा रहा था, अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, पसीना पसीना हो गया था, सारी सेना दंग रह गई। क्या हो गया? औरंगजेब तुरंत वहां से अपने घोड़े या किसी भी चीज में सवार हुआ होगा और निकल गया, कुछ नहीं बोला। सेना भी टेंशन में आ गई, उस मंदिर को वैसे ही छोड़ दिया गया। वापस से गोलकंडा फोर्ट में पहुंचा, खैर उसने गोलकंडा फोर्ट को जीत लिया, वहां पे कोहिनूर भी जो था, हमारा कोहिनूर सबको पता होगा, उसे भी हासिल कर लिया, क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया का शायद सबसे अमीर रूलर बने। वहां तो वो जीत गया, समय बीत गया, औरंगजेब का जैसे तैसे करके अंत हो गया, लेकिन ये मंदिर वैसे का वैसा ही खड़े रहा। औरंगजेब ने सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े होंगे, लेकिन ये मंदिर को वो हिला भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया। अब आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो, क्या आकाशवाणी हुई थी, मंदिर तोड़ना है राजन तो कर मन घाट। इसका मतलब क्या होता है पता है? अगर मंदिर तोड़ना है तुझे राजन, तो अपने मन को स्ट्रांग कर। शायद औरंगजेब का मन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जो कि ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद उस मंदिर को छू भी पाता, इसी वजह से उस मंदिर का नाम कर मन घाट हुआ। समय बीतते चले गया और महाराष्ट्र की एक फैमिली थी, उसने इस मंदिर की देखभाल की, पूजा अर्चना की, समय के साथ साथ उनके वंशजों ने इस मंदिर का ख्याल रखा और सन 1990 में इस मंदिर का एक भव्य निर्माण करवा दिया गया। यहाँ के जो लोकल लोग थे हैदराबाद के, पैसे इकट्ठे किए और इस मंदिर को बेहद खूबसूरत बना दिया गया। इस मंदिर में जो बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित है, जो कि स्वयंभू है, जो कि 12वीं शताब्दी में ककतिया डायनेस्टी के सेनापति को दिखाई दी थी, उसको आज ध्यान अंजनेय स्वामी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और माना जाता है कि यहां पर सच्चे दिल से कोई भी जो भी मुराद करता है उसकी वो जरूर पूरी होती है। औरंगजेब ने जहां पर काशी विश्वनाथ के विष्णुपाड़ा के मंदिर को तोड़ने की और ऐसे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, ध्यान अंजनेय स्वामी का ये करमन घाट मंदिर इसके सामने एक ऐसी चुनौती लाकर खड़ा कर दिया जिसे पूरे मुगल साम्राज्य के लोग आज भी याद करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा बात बताया हूं ना मैंने, इस मंदिर के दीवारों में उकेरी गई है, इतिहास में लिखा गया। जो लोग हैदराबाद के होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे इस कहानी को। कैसे लगा ये कहानी सुनकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को एंजॉय किए सच्चे दिल से तो एक बार ध्यान अंजनेय स्वामी की जय जरूर लिख देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में। मुझे अब तक देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाना, वहां पर भी डिफरेंट तरह का एंटरटेनमेंट मैं साथ ही साथ जानकारी भी आप लोगों को देते रहता हूं। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो, जय श्री राम।